नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था बजट से ठीक पहले ऐसा होगा, लेकिन सरकार ने फैसला लिया और उसे बजट से ठीक 3 महीने पहले लागू भी कर दिया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और नोटबंदी का विरोध भी शुरू कर दिया। नई पॉलिसी नोटबंदी की इस सरकार ने अनाउंस की, उस नोटबंदी की वजह से अभी तक 75 लोगों की जानें चली गई। लेकिन अब सवाल ये है कि जब यूपी समेत तो बड़े राज्यों में चुनाव हैं, तो क्या सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जिसमें देश को राहत मिले, या फिर सरकार लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए रिफॉर्मिस्ट मॉडल पर काम करेगी? क्या पॉपुलिस्ट होगा बजट? द गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइडेड टू डीमोनेटाइज द हाई डिनोमिनेशनल करेंसी व्हिच शुक द सिस्टम फॉर सम टाइम but which has now gradually increased the process of integrating India's shadow economy, the parallel economy, the informal economy. This is going to result, coupled with the GST, in the days to come, much larger revenues as far as the states are concerned, as far as the central government is concerned, and expand the size as far as the formal economy is concerned. इस बार के बजट में सरकार के सामने जीएसटी का रोड मैप पेश करना, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, रेलवे के घाटे को पूरा करना, नोटबंदी के बाद किसानों को राहत देना, एमएसएमई की दिक्कतों को दूर करना, विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतना, आम आदमी को टैक्स में राहत देने, कैशलेस ट्रांजैक्शन की राह आसान करने और रेलवे में सुरक्षा जैसी चुनौतियां हैं। नोटबंदी के बाद सुस्त पड़ी निवेश की रफ्तार को बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने का जिम्मा भी सरकार के लिए चुनौती भरा होगा। हालांकि कई तरह की राहतों से वित्तीय घाटे पर दबाव पड़ेगा। सरकार के पास मौजूदा समय में 3.9% वित्तीय घाटे को 3% पर लाने की चुनौती है। जीएसटी के साथ मैच करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट टैक्स दरें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर टैक्स दरें बढ़ी तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी होगा। मोदी सरकार अपना हाफ टर्म पूरा कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के बाद आम आदमी की जेब भरने की भी चुनौती है। आज बजट अड्डा में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार पॉपुलिस्ट बजट बनाएगी या फिर रिफॉर्मिस्ट बजट का रिस्क लेगी। इसी मुद्दे पर चलते हैं बजट पर सबसे बड़े पैनल के साथ, बजट अड्डा पर। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और इस वक्त हम मौजूद हैं देश के दिल, या कहें दिल्ली के दिल, सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, जहां पर इस वक्त एक तरफ देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है, तो दूसरी तरफ हम अपने इस खास कार्यक्रम बजट अड्डा में मौजूद हैं तमाम जाने माने चेहरों के साथ और इस देश की आम जनता के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ इस बजट अड्डा में हमारे साथ जुड़ी हुई है। बजट अड्डा में आज हम बात करेंगे बजट की, आम आदमी की उम्मीदों की और सरकार की कठिनाई की, या सरकार के पास मौजूद मौके की। जी हाँ, क्योंकि सबको, चाहे वो आम हो या खास, इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और क्योंकि ये सरकार, मौजूदा सरकार, अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, इसलिए भी इस
बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कैसा होगा ये बजट? रिफॉर्मिस्ट होगा क्या एक बार फिर से कड़वी दवा पिलाई जाएगी? पॉपुलिस्ट होगा यानी इस बार एक सर एक से बढ़कर एक बड़े ऐलान किए जाएंगे लोगों के लिए? और क्योंकि चुनावों के बीच ये बजट आ रहा है तो क्या चुनावों की छाप भी इस बजट पर देखने को मिलेगी? आज इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कई जाने माने चेहरे मौजूद हैं और उन चेहरों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, अपने खास पैनल से आपको रूबरू करवाता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक टंडन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ मोहन गुरुस्वामी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के लीडर। और मेरे साथ कृष्ण मल्होत्रा है, सीनियर पार्टनर ध्रुव एडवाइजर्स, टैक्स एक्सपर्ट। इनसे हम बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मेरे साथ मौजूद है देश की जनता, जिनके लिए इस बार फिर से देश के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, जिनकी अच्छाई के लिए, जिनकी बढ़ोतरी के लिए इस बजट में कई ऐलान किए जाएंगे। और इस बजट में इस बार एक और खास बात है कि रेल बजट इस बजट में ही शामिल कर दिया गया है, तो उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत यहां पर एक्सपर्ट से करते हैं और मोहन गुरुस्वामी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, जेन नेक्स्ट बजट, हमने इसलिए जेन नेक्स्ट बजट नाम दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नेक्स्ट जनरेशन की छाप भी दिखेगी, तो क्या लगता है आपको इस जेन नेक्स्ट बजट में ऐसा क्या हो सकता है खास जिससे आपकी उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं? देखिए, अभी जो सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है बड़ी कठिनाई से गुजर रही है। जो GDP ग्रोथ जो था, जो 7.5% की उम्मीद थी, अभी 6% पे आ गई। अभी ऐसा दिख रहा था जैसे जैसा ठीक से चल रहा था, एकदम सरकार ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया और एकदम स्लो हो गया ग्रोथ। तो अब उस खड्डे से निकलना है इनको। इसके लिए अभी चुनाव भी हो रहे हैं यूपी में और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो एक तरह से एक पॉपुलिस्ट बजट करने की ज़रूरत है। क्योंकि दो किस्म के बजट होते हैं, एक इकोनॉमिक पॉलिसी को देखते हुए होता है, एक पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए। अब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की अभी है, पार्टी की है, कि एक पॉलिटिकल बजट बनाए जहाँ से उनको पॉलिटिकल सपोर्ट फिर से आए। क्योंकि अगर यूपी में हार गए या पंजाब में तो हारने वाली ही है, यूपी में तो हार गए, तो बड़ी कठिनाई होगी इस प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को। इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल बजट आने वाली है जिसमें लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ये जो पॉपुलर फायदे होते हैं, ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म फायदे होते हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नुकसान। अगर जो रिफॉर्म की बात करते हैं, रिफॉर्म में कठिनाई से गुजरना पड़ता है और खड़ी कड़वा दवा पिलानी पड़ती है। वो अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ ना कुछ गुडीज देंगे। मेरे ख्याल में कल या परसों के दिन एक यूनिवर्सल इनकम बेनिफिट स्कीम के ऐलान होगा, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है। और उसमें पैसा अगर सबको देंगे 10,000 रुपये साल 12,000 रुपये साल, महीने को 1,000 रुपये, सबको अगर वो होगा 15 लाख करोड़ का खर्चा होगा। अगर सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं तो होगा 3-4 लाख करोड़। नहीं, आप तो पैसा तो बहुत लगेगा, कहाँ से लाएगा पैसा ये देखना पड़ेगा, इससे ग्रोथ पे नुकसान ही होने वाला है। आपका मानना है कि एक पॉपुलिस्ट बजट होगा मोर देन रिफॉर्मिस्ट बजट, तो ठीक है। अशोक टंडन साहब, आपको भी लगता है क्योंकि नोटबंदी के बाद सरकार पहला बजट पेश कर रही है, चुनावों के दौरान ये बजट आ रहा है, तो पॉपुलिस्ट बजट होगा ये आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि मोदी सरकार का ग्रोथ पर, विकास पर, डेवलपमेंट पर, नौकरियों पर जोर रहता है, इसलिए रिफॉर्मिस्ट बजट भी होगा। देखिए, मेरा मानना है कि उस आने वाले बजट को हम पॉपुलिस्ट बजट नहीं कह सकते। उसका कारण ये है कि ये इस बजट में कई चीज़ें पहली बार हो रही हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ये पहला बजट हो रहा है, फिर GST के संदर्भ में भी ये पहला बजट है, तीसरा रेलवे बजट भी इस बार पहली बार आम बजट के साथ जोड़ रहा है, चौथी बात ये है कि चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में और चुनाव आयोग की तरफ से कई इस तरह के इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप उस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर खास तौर से राज्यों से संबंधित आप नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन के चलते जिन जिन वर्गों को कोई ना कोई कठिनाई हुई है, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, गृहिणियाँ भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर कुछ इस प्रकार की स्कीम आती हैं तो हम उनको पॉपुलिस्ट नहीं कह सकते। क्योंकि सरकार लगातार ये कहती जा रही है कि डीमोनेटाइजेशन में जिन जिन वर्गों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हम उनकी मुश्किलों का ध्यान रखेंगे। और कई चीज़ें अभी प्रधानमंत्री ने पहले भी अनाउंस कर दी हैं, कुछ चीज़ें वित्त मंत्री ने भी की हैं,
और कुछ ऐसी चीज़ें स्कीम आने वाले बजट में भी हमें देखने को मिलेंगी जी। लेकिन उस पर एक अंकुश भी है, क्योंकि ये पहली बार चुनाव के दौरान बजट आ रहा है, पहली बार ये इसकी तारीख भी पहली बार इस तरह की तारीख हुई है। तो मुझे लगता है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सबसे ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन से संबंधित जो कठिनाइयां हुई हैं उनकी भरपाई के लिए वित्त मंत्री क्या करते हैं इस पर नज़र रहेगी। और उनको कहना ये पॉपुलिस्ट है मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन इस बजट को ग्रोथ से भी जोड़कर एक बैलेंस बजट बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि केवल और केवल आप स्कीम ही नहीं अनाउंस कर सकते, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से और जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है इस समय अपने पहले 6 दुनिया के देशों में आ गए हैं, तो उसमें हम पिछड़ना नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक बड़ा बैलेंस्ड बजट होगा और उसमें शायद किसी भी वर्ग को निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो इस बार एक ओवरऑल सबके लिए कुछ ना कुछ होगा ये मानना है यहाँ पर अशोक टंडन साहब का, सीनियर जर्नलिस्ट का। लेकिन मेरे साथ एक टैक्स एक्सपर्ट है, मेरे साथ इस वक्त किशन मल्होत्रा जी हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस बार बजट में टैक्स पर सरकार स्लैब बढ़ा सकती है या टैक्स में कुछ छूट दे सकती है ताकि आम आदमी को राहत मिले थोड़ी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ टैक्स में करेगी। लेकिन किशन मल्होत्रा साहब जो एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं या इस देश की सरकार की जो इस वक्त की हालत है उसको समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो क्या ये माने, उम्मीद लगाएं कि जो एक नौकरी पेशा आदमी है या जो टैक्स पेयर है उसको इस बार ये सरकार कुछ राहत देने जा रही है या नहीं? देखिए, जहाँ तक जो बजट की बात है, क्योंकि ये एक तरह का गवर्नमेंट का, अगर 2019 में इलेक्शन होंगे तो एक तरह का ये एक बहुत ही एक रिफॉर्मिस्ट बजट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। हर बजट में कुछ ना कुछ डायरेक्शन आई है, तो सर्टनली इस बार एम्फेसाइज मोर ऐसा होगा कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आया या इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आया, तो उसको ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट को भी कुछ रिलीफ मिलने की एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ जो इंडिविजुअल्स हैं, जिसके अंदर एक आम आदमी है, क्योंकि जो स्लैब था अगर हम देखें कि 2 लाख का 2015 में किया, तो 1 साल हो गया, अब एक्सपेक्टेड है, इंडस्ट्री की डिमांड है, एक आम आदमी की डिमांड है कि 2.5 लाख को इंक्रीज़ करके 3 लाख या 3.5 या जो 4 लाख तक का रिबेट देना चाहिए, या कुछ स्लैब्स के अंदर कुछ और ज़्यादा, अभी मिनिमम स्लैब है जो टैक्स का वो 20% है, हो सकता है उसको कुछ टिंकर करें, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन हैं। जो खासकर अलाउंसेज होते हैं, बड़े पुराने अलाउंसेज हैं कि मेडिकल अलाउंस पिछले 20 साल से वही 15,000 रुपीज़, 1250 रुपये पर मंथ, जो कि निग्लिजिबल है आज के टाइम में पूरी फैमिली को कैटर करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के अलाउंसेज में जो पिछले कितने एजुकेशनल अलाउंस 80 रुपये या 40 रुपये, इससे नहीं कुछ होता। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि एक अलाउंसेज के अंदर लिमिट इंक्रीज होगी, स्लैब्स में कुछ इंक्रीज होगा, और खासकर डिजिटल के अंदर जो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पेमेंट डिजिटल से करेंगे उसमें और रिलीफ दी जाएगी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसी रिलीफ मिलने की आशा है। ओके, तो टैक्स में कुछ रिलीफ मिल सकती है या कुछ ATC के तहत रिलीफ मिल सकती है, तो मानना टैक्स एक्सपर्ट का। मेरे साथ एक और खास मेहमान CM वासुदेव साहब जुड़ चुके हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। वासुदेव साहब आपके पास भी आते हैं, स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक पॉलिटिकल फ्लोर ओपन करता हूं। मेरे साथ दो इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, कांग्रेस और BJP से, और मैं पहले कांग्रेस के पास जाऊंगा। आलोक शर्मा मेरे पास कांग्रेस से हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा जो लोग यहां पर मेरे साथ बैठे हैं। आलोक शर्मा, क्या लगता है, आप लोगों ने तो आपत्ति जताई, सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा कि नहीं ये बजट की तारीखों से चुनाव पर असर पड़ सकता है, लेकिन बजट तो आ रहा है सर, क्या लगता है इस बार किस पर जोर होगा सरकार का, और आपको क्या लगता है पॉपुलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट? देखिए, मैं समझता हूं कि बजट का पहले लाना या बाद में लाना ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन अगर 5 राज्यों में चुनाव हों तो वाजिब है कि प्रश्न उठते हैं कि 1 महीने 2 महीने पहले उसको क्यों लाया जा रहा है। जनता समझती है, उसका उत्तर जनता देगी। जहां तक विषय दूसरा आता है कि अब क्या होगा बजट के अंदर, देखिए अभी तक 2 बजट जो पूर्णकालिक आए बीजेपी के, वो पूरी तरह से निराशाजनक आए। इनकम टैक्स लिमिट की जो टैक्स एक्सपर्ट साहब ने बात की अभी, देखिए 2006-07 में अरुण जेटली साहब कहते थे कि ये टैक्स की जो स्लैब है लिमिट, ये 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन अब आने के 2 साल भी हो गए हैं, उसमें 1 रुपये का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आज की स्थिति है कि गलत आंकड़े प्रस्तुत करके फॉल्स पिक्चर जो इकोनॉमी की दिखाई जा रही है देश को, कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन यह है कि लेबर ब्यूरो के जो 4 दिन पुराने आंकड़े हैं उसमें आया है कि मात्र 1.37 लाख जॉब बने हैं 1 साल में,
दो करोड़ जॉब्स की बात की थी इस सरकार ने मैनिफेस्टो में, 1.5 लाख भी जॉब आप एक साल में नहीं दे पाए हैं। जॉब्स अगर नहीं मिलेंगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं। मनरेगा में 60% एनरोलमेंट बढ़ गया है क्योंकि बाकी जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पिछले 30 महीने से लगातार एक्सपोर्ट गिर रहा है। मोदी साहब कहते थे कि रुपया ICU में चला गया है, अब कहाँ है रुपया? बीजेपी की सरकार को जवाब देना चाहिए। 57 रुपये पे छोड़ा था, आज 69 रुपये पे है। अगर आपने इतने टैक्स रिफॉर्म्स किए, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो एक्सपोर्ट भी गिर गया, सेकेंडरी सेक्टर भी गिर गया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन गिर गई, जॉब इंडेक्स नेगेटिव हो गया, कहीं पर तो पॉजिटिव कोई चीज नजर आती? ठीक है सर, डोमेस्टिक सेविंग डाउन हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है उसको सुधारने के लिए मोदी साहब कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट का सहारा लें, उनसे सहयोग लें, केवल नोटबंदी की तरह दो अफसरों को बैठाकर फैसले ना लें। ठीक है, मैं आपके पास आऊं जफर इस्लाम, क्योंकि आप सरकार में जो पार्टी है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उससे पहले मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस की बात से तो ऐसा लगता है कि इस देश में तो इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है इस वक्त देश में क्या हालात हैं, और आप लोगों को क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी पर असर पड़ो, फिर मैं बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रवक्ता है, उनके पास आऊंगा। हाथ उठाइए जिसको कुछ अगर पूछना हो यहाँ पर, या कुछ बोलना हो, आप में से कोई कुछ बोलना, प्लीज माइक दीजिए। आप में से जो पूछना चाहे कि भाई आपको क्या चाहिए, सरकार जो कांग्रेस कह रही है उस पर आपका क्या कहना है, या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टैक्स को लेकर, आप में से कोई कुछ कहना चाहे। जी सर, इनको इधर दीजिए सर को। जनता की तो मांग ये है कि सबसे पहले रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी सर, क्योंकि युवकों को बहुत रोजगार की आवश्यकता है, युवक ही हमारे सबसे ज्यादा आज जनता में है। तो और दूसरा, भ्रष्टाचार पर जरूर ये नियंत्रण बढ़ते रहना चाहिए। ये दो बातें अगर कर ली जाएगी तो बहुत खुशी रहेगी। ओके, तो भ्रष्टाचार और रोजगार, ये दो बातों पर फोकस रहना चाहिए। जफर इस्लाम, मैं आपके पास आऊंगा, जनता क्या चाहती है आपने सुना, क्या इन दोनों चीजों पर फोकस रहेगा? और जैसा कि आपके विरोधी कह रहे हैं कि भाई इस देश में तो बहुत बुरा हाल है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट बजट लाना पड़ेगा क्योंकि चुनाव भी हैं, तो चुनावों का असर, नोटबंदी का असर, और जो इस वक्त देश की हालत है, मैं नहीं जानता अच्छी है या बुरी, आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे, उन सब का असर क्या पड़ेगा इस बजट पर, और बजट ऐसा ही होगा? देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, बजट के लिए हमारे एक पार्टी ने बिल्कुल गाइडिंग प्रिंसिपल रखा, सरकार ने गाइडिंग प्रिंसिपल रखा है, और उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल ये बताती है कि गरीबों के उत्थान के लिए बजट में फोकस रहेगा, कि गरीबों के लिए जगह हो, किसानों के लिए जगह हो, नौजवानों के लिए जगह हो, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए जगह हो, और कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, हर चीज़ों के लिए जो सही डिसीजन है वो होना चाहिए। पॉपुलिस्ट नहीं, बल्कि मेजर्ड, वेल मेजर्ड, बैलेंस बजट होगा। दूसरी बात, मैं जरा थोड़ी सी चीज़ टिप्पणी करना चाहूँगा, जो हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे कैसे ये मिसलीड करते हैं देश को, देखिए उसका उदाहरण में अभी इन्होंने कहा, मैं इनकी बातें नोट कर रहा था, रुपी 57 पे छोड़ा, आज 69 है, 68 है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर वो इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र के को देखते हैं और समझते हैं, तो इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के हर करेंसी अगेंस्ट डॉलर डिप्रिशिएट की है, नीचे आई है, तो हिंदुस्तान की करेंसी सबसे कम आई है। और बाकी करेंसी आप देखिए, अगर आप देखिए साउथ अफ्रीका के, देखिए ब्राज़ील के, देखिए जो एक टाइम जो इमर्जिंग इकोनॉमी हमसे बड़ी होती थी, हमसे साथ रहती थी, आज बहुत नीचे नोज डाइव की, हमारी करेंसी बिल्कुल बहुत कम हुई। तो दुनिया के हर करेंसी नोज डाइव की है, लेकिन हिंदुस्तान की करेंसी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट कम हुआ है, उनको बताना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट में रिवर्सल ट्रेंड है, इनफैक्ट 5% पॉजिटिव ग्रोथ है एक्सपोर्ट में। ये कह रहे हैं नेगेटिव ग्रोथ है जबकि पॉजिटिव ग्रोथ है, पूरी दुनिया जानती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने है। तीसरी बात इन्होंने कही GDP के बारे में, देखिए इन्होंने 4.5% GDP ग्रोथ पे छोड़ा था सरकार को, आज हमारे पास 7.6% था, डिमोनेटाइजेशन के वजह से 7.1% तक GDP ग्रोथ की का अंदेशा है, हो सकता है थोड़ा नीचे हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, लेकिन डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद जो GDP ग्रोथ के आने के चांस है वो बहुत अच्छा होगा, और उसके उसकी आपको संकेत मिलेंगे इस बजट में। चौथी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन आप यह देखिए कि एक्सपोर्ट हमारा जो है वो हमारी वजह से नहीं, ग्लोबल ट्रेंड ऐसा था, एक्सपोर्ट सब जगह कम हुआ था, और एक्सपोर्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमारा नहीं हो रहा था। पिछले दिनों में इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक्सपोर्ट बढ़ा, इसलिए एक्सपोर्ट फिगर पॉजिटिव है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आपको कहना चाहूंगा कि इस बजट में
जो नोटबंदी की वजह से जो लोग इम्पैक्ट हुए ज़रूर हुए हैं, ये सरकार ने सोच समझ के डिसीजन लिया था, लोगों के हित में लिया था, देश के हित में लिया था, इसलिए बजट में भी कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगी। जिन लोग लाइन में खड़े होकर सरकार का साथ दिया है, उनको जरूर उस सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और ये उस बजट में उसके संकेत तो देखे जाएंगे सर धीरे धीरे। लेकिन एक और लास्ट बात कहूंगा, जो आपने टैक्स के बारे में कहा, देखिए टैक्स के बारे में ये जो नोटबंदी की वजह से ये हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा टैक्स बेस बढ़ेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, 125-30 करोड़ की जनता है हमारे हिंदुस्तान में, 1.3 करोड़ जनता सिर्फ टैक्स पे करती है, बाकी टैक्स पे नहीं करती। अगर 7-8% लोग टैक्स पे करने लगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि गरीबों के लिए जो हर डेवलपमेंट और वेलफेयर का स्कीम हो उसको बहुत ज्यादा ज्यादा फंड कर पाएंगे। ये कोशिश हमारी सरकार की रहेगी कि गरीबों के उत्थान के लिए और किसानों के समृद्धि के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, ओके जफर इस्लाम, मैं आता हूँ आपके पास। आलोक शर्मा, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन मेरे साथ सीएम वासुदेव साहब जुड़ रहे हैं और इस बीच राजीव रंजन जेडीयू लीडर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजीव जी, लेकिन वासुदेव सर आपके पास आऊंगा। सर आपने सुना बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है सर, लेकिन हम अगर पिछले बजट को देखें तो पिछला बजट ज्यादातर रूरल डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी पे फोकस दिखता था उस बजट का। उसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों की आमदनी हम 5 साल में दोगुनी करेंगे, खेती को लेकर, किसानी को लेकर और खेती से जुड़े एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो भी सेक्टर्स थे उन सब पे सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए थे सर, तो क्या इस बार भी माने, क्योंकि नोटबंदी के बाद बजट आ रहा है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एक्सपेंसेस और रूरल इकोनॉमी पर ही फोकस रहेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो बजट है कभी भी किसी वैक्यूम में नहीं बनता है। बजट हमेशा इसी परिप्रेक्ष्य में बनता है कि बीते वर्ष में अपने जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें क्या घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान में रख के बनता है, जो विदेशी बाज़ार में क्या घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान में रख के बजट बनता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल जो बजट बन रहा है वो इस परिप्रेक्ष्य में बन रहा है कि हमारे देश में सबसे बड़ी रिफॉर्म का जो कार्यक्रम है डीमोनेटाइजेशन का वो लागू किया गया था। तो जाहिर है जो बजट बनेगा इसी परिप्रेक्ष्य में बनेगा कि इसके दो पहलू हैं कि एक तो डीमोनेटाइजेशन के दौरान अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी हो गई, हमारी जो सप्लाई लाइन है वो चोक हो गई, डिमांड काफ़ी कंप्रेस हो गया और जो विकास की गति है वो भी धीमी पड़ गई लास्ट क्वार्टर में। तो ये समस्याएं आई हैं डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से के ज़रिए। तो बजट में वित्त मंत्री को ये देखना होगा कि ये समस्याएं जो आई हैं, इस समस्या का समाधान बजट के माध्यम से कितना और किस हद तक वो कर पाएंगे, एक ये बहुत उनको ध्यान में रखना होगा। दूसरा ये है कि डिमोनेटाइजेशन के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, जैसे पोटेंशियल बेनिफिट्स है कि टैक्स ब्रेक्स बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है, तो ये काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। और ब्लैक मनी का खात्मा होगा, ये नहीं, ये सब लोग मानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन वॉज नॉट दी ओनली वे टू रिमूव ब्लैक मनी, मगर एक बहुत बड़ा कदम है उस दिशा में, मगर उस कदम को आगे ले जाने के लिए कुछ और भी कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे ताकि इसका लाभ मिले। सो दो पहलू हो गए बजट बनाने में, एक तो जो समस्याएं आई डिमोनेटाइजेशन की वजह से उनके ऊपर क्या ध्यान देंगे और कैसे उन समस्याओं से निपटेंगे, और दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन से जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसको कैसे रीप करेंगे, ये मैं समझता हूँ पूरा ढांचा होगा बजट बनाने का। ये जो और इसमें देखिए रिफॉर्मिस्ट बजट में आती हैं या पॉपुलिस्ट बजट में? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब देखिए दो चीज़ें देख लीजिए, पहला तो एक ये है कि लोगों ने जैसे पॉलिटिकली ये बहुत एक्सपीडियंट होगा कि बहुत लोगों ने पेन उठाया डिमोनेटाइजेशन के दौरान, लोग लाइनों में लगे रहे, बहुत सब्र भी दिखाया और ये किया और लोगों की रोज़ी पे भी काफ़ी असर पड़ा, तो उनको सरकार क्या पॉलिटिकल कुछ बेनिफिट्स देगी ये एक देखने वाली बात है। जाहिर है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी है। दूसरा ये है कि जो ठीक है फिस्कल स्पेस बढ़ेगी, टैक्स आमदनी सरकार की बढ़ेगी, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूंजी निवेश बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने में कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, टैक्स रेट्स वैसे ही कम हो रहे हैं
और फिर डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या टैक्स इंसेंटिव्स देंगे, इस किस्म के मैं समझता हूँ एक पुलिंदा वित्त मंत्री बनाएंगे बजट को बनाने के लिए। बहुत सारी बातें सर, और बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई भी, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, आप लोगों के पास मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक सवाल मैं राजीव रंजन से लेकर, आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए और मैं चाहूंगा कि जिसको भी सवाल पूछना हाथ उठाए, आप सबको माइक दिया जाएगा और अपने आपसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन राजीव रंजन, उससे पहले आपके पास, राजीव रंजन भले ही आपने इलेक्शन से यूपी और पंजाब से अपने कैंडिडेट विदड्रॉ कर लिए हो, लेकिन राजनीति तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं देश की, और राजनीति इसलिए भी बहुत हो रही है क्योंकि बजट इस बार चुनावों के दौरान आ रहा है, तो क्या उसका फर्क आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, इस बजट से उम्मीदें तो पूरे देश को हैं। जो कुछ भी रीजनल इम्बैलेंसेस को लेकर के देश में लंबे समय से बातें होती रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे राज्य में भी और देश के कई पिछड़े राज्यों में लोगों के अंदर उम्मीदें जगाई। रीजनल इम्बैलेंसेस का सबसे बड़ा शिकार बिहार है और भी कई राज्य हैं, लेकिन जीडीपी में जो कमज़ोर राज्यों का जो योगदान है वो कैसे बढ़े, ये जरूर इस बजट में दिखना चाहिए। इसका एक रोड मैप जरूर दिखना चाहिए, इसके संकेत भी दिखने चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान का एक बेहतर अगर कोई भविष्य हम देख रहे हैं और कमज़ोर राज्यों की अगर उपेक्षा जारी रही तो ये नारे और वायदे चलेंगे, लेकिन इनको ज़मीन पर उतारने के लिए निश्चित तौर पर बिहार जैसे राज्यों को भी विकास के पूरे अवसर मिलने चाहिए। पहली बात, डिमोनेटाइजेशन को लेकर के हमारी पार्टी ने पहले दिन से प्रधानमंत्री जी के फैसले को सराहा और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। अभी हम लोगों ने कहा है कि जो डिमोनेटाइजेशन के जो उसके प्रभाव या उसके असर से जो लोग बेरोजगार हुए, जिनकी नौकरियां गई हैं, अर्थव्यवस्था में जो गिरावट देखी जा रही है या कई तरह के जो संकेत मिले हैं उसमें, इस वर्ष तो निश्चित तौर पर जीडीपी के लिए बहुत अच्छे आसार नहीं दिख रहे हैं जो ग्रोथ रेट को लेकर की चीज़ें हैं। तो ये एक बड़े फैसले के साथ अगर आपके पास आगे का रोडमैप और ब्लूप्रिंट है तो वो इस बजट में दिखना चाहिए, इसलिए कि अगर ये वर्ष आप जाया करते हैं रुपए और दुनिया के बड़े मुद्राओं के मुकाबले हम कहाँ हैं वो एक सवाल है, वो कई और भी पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए आप अर्थव्यवस्था को जांचेंगे, लेकिन ये बुनियादी सवाल है जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो कमजोर राज्यों की पीड़ा है उसका समाधान इस बजट में दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूँ। अब आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है अपना हाथ उठाइए, माइक दीजिए प्लीज। जी सर पूछिए। हाँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो कई वर्षों से 2.5 लाख के आसपास ही है जी। जो व्यक्ति 20,000 महीना कमाता है और यहाँ किराए पर रहता है जी, चार परिवार के साथ रहता है, वो 20,000 से ज़्यादा यदि कमाता है तो पूरा टैक्स दे देगा तो खाएगा कहाँ से? जफर इस्लाम जी, वाकई अच्छा सवाल है, तालियां इनके लिए। सबसे पहले एक और सवाल, मैं जफर इस्लाम से आपका जवाब लेता हूँ, लेकिन एक और सवाल कोई पूछना चाह रहा था जी, पूछिए, इनको माइक दीजिए, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो सर, आज का मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन टैक्स के ऊपर नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को प्रोवाइड करवाती है जो बुक्स 10th क्लास तक, तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि 1 ईयर के बाद में उन बच्चों से जो बुक्स हैं वो वापस ले ली जाएँ। इससे सरकार का जो प्रिंटिंग में इतना पैसा वेस्ट करती है, आई थिंक जो दिल्ली की गवर्नमेंट 500 करोड़ प्रिंटिंग में वेस्ट करती है बुक में, तो अगर वो बुक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये सुझाव है सरकार को, ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं टैक्स का जो सवाल आया था जफर इस्लाम से उसका जवाब ले लूँ, फिर आप लोगों के पास फिर से आता हूँ। जफर इस्लाम, वाकई लोग बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 50 दिन तो हमने साथ दिया सरकार का, मोदी जी का, अब मोदी जी भी हमारा कुछ साथ दे दें। नहीं, जाहिर है लोगों ने बार बार कहा है कि टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और या जो मिनिमम जो एग्जेम्पशन है उसको थोड़ी बढ़ना चाहिए, इसलिए कि लोग हर बार इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा ये कहना कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा दोनों सही नहीं है, इसलिए कि कल बजट 2 दिन बाद पेश होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, मेरी सरकार उस पर पूरा खरी उतरेगी और जो भी लोगों को आप खुल के नहीं बोल रहे, ये खुल के नहीं बोल रहे, इनकी एक लिमिट भी है, मैं मानता भी हूँ क्योंकि बजट के बारे में खुल के कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदें सरकार पूरी करेगी, ठीक है जफर इस्लाम यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, बोलिए, इनको माइक दीजिए प्लीज, इनको माइक दें, पूछिए सर, पूछिए 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 पूछिए। ये बजट में जो स्लैब है इनकम टैक्स का, ये 3-4 साल से वही चलता है, बीजेपी की सरकार सोच नहीं सकती कि वो कांग्रेस के ही स्लैब पे चलती रही है 3-4 साल से, अपना स्लैब स्टेटस बढ़ाए स्लैब। और दूसरा बात ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए
ये जिनको टैक्स देना है थोड़ा नजदीक लाइए उनका, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है बस उसका तो टैक्स वो ले लेते हैं, बाकी जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते हैं? चलिए ये भी अच्छा सवाल है कि जो लोग टैक्स बच जाते हैं टैक्स नेट से, उनको कैसे टैक्स नेट मिला है? एक भाई साहब पीछे कुछ पूछना चाहते हैं, उनको माइक दीजिए प्लीज। सर हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि टैक्स स्लैब बढ़नी चाहिए, टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए, बट मेरा एक पॉइंट है, हम टैक्स तो ले रहे हैं बट टैक्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, निर्भया कांड के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था 1000 करोड़ का, जो गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट किया था, बट उसे फर्दर बीजेपी ने भी वो फंड्स रिजर्व करे, बट वो आज तक ऑन रिकॉर्ड है वो फंड्स यूटिलाइज नहीं हुए, तो क्या फायदा इस टैक्स को इकट्ठा करने का? अच्छा सवाल है, सबसे पहले इनके सवाल के लिए तालियां। तो ये नेक्स्ट जनरेशन है सर, जन नेक्स्ट बजट की हम बात कर रहे हैं और इस नेक्स्ट जनरेशन ने बहुत अच्छा सवाल विद फैक्ट पूछा है। तो जफर इस्लाम आपसे मैं छोटा सा सवाल जवाब चाहूंगा, फिर मैं दो तीन सवालों का जवाब मैं देता हूँ। पहला सवाल जो टैक्स स्लैब से रिलेटेड है, और टैक्स स्लैब में जो 10%, 20% और 30% का जो स्लैब है, लोगों के बहुत सारे लोग अलग अलग सुझाव दे रहे हैं कि इसमें 10% से घट के 8% होना चाहिए, 7% होना चाहिए, हेडलाइन जो 30% है वो थोड़ा कम हो जाए उससे, लेकिन या स्लैब बढ़ा दिया, जो नीचे से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है या वो बढ़ा दिया जाए, ऐसे कई सुझाव लोगों ने दिए हैं। सरकार के पास दो कठिनाई होती है, एक तो कि जितना भी जो पैसा आता है जो आपके पास और जो खर्चा है, दोनों को देखना पड़ता है। तो सरकार कभी भी ये जो नोटबंदी का एक कारण बहुत बड़ा कारण है कि टैक्स देने वाले लोग कम हैं और टैक्स को खर्चा बहुत ज्यादा है सरकार के पास, तो टैक्स जितने ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, टैक्स नेट में आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास आएगी, और जैसे जैसे ज्यादा पैसा आएगा जाहिर है टैक्स रेट वैसे वैसे कम होता जाएगा। ओके मोहन गुरुस्वामी साहब, सरकार का मकसद है कि टैक्स नेट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए, लेकिन जैसा कि एक नेक्स्ट जनरेशन सवाल, जन नेक्स्ट सवाल कि भाई आपने टैक्स वसूल लिया, आप खर्च कहां करते हो? निर्भया फंड बनाया, उसका एक रुपया आपने खर्च किया, आप पता तक नहीं लोगों को, तो क्या वाकई टैक्स नेट बढ़ाना ही सरकार का एक मकसद होना चाहिए या उसको लोगों के लिए खर्च करना भी मकसद होना चाहिए? दो सवाल है इसमें, एक सवाल तो पैसा जो कोई फंड के लिए जमा करते हैं रखते हैं उसको अगर खर्च नहीं होता तो इसका मतलब नहीं है कि वो बैंक में पड़ा हुआ है। सरकार का एक ही ढांचा होता है, पैसा कहीं और खर्च हो जाता है, तो हकीकत की बात यह है जी, तो पैसा कभी खाली नहीं बैठता है, समझे ना कुछ काम पर लग जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हम लोग एक आंकड़ा देखते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो, देश को आगे ले जाना है तो पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आते? टैक्स से आएंगे। अगर आप टैक्स ढांचा बढ़ते जाएगा और टैक्स वहीं का वहीं रह जाएगा तो आप आगे नहीं जा सकते। अब आज की हालत में देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और उसके लिए टैक्स कम आ रहा है। टैक्स जीडीपी रेशियो हिंदुस्तान में है 14%, चीन में है 21%, और चीन का इकोनॉमी है हमसे 4 गुना बड़ा, तो उनके पास उतना ज़्यादा और पैसा है, तो एक केस बनता है कि आप टैक्स ज़्यादा वसूल करें लोगों से। मगर इस देश में सिर्फ 30 लाख लोग एक्चुअली टैक्स जमा करते हैं, 30 मिलियन रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें से 3 मिलियन टैक्स एक्चुअली जमा करते हैं, और इस देश में पिछले साल 30 लाख मोटर कार बने, नए मोटर कार, और लोग खरीदते हैं गाड़ी, तो लोग टैक्स टैक्स डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये एक पुरानी परंपरा हो गई हमारे इसमें कि, और टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। और क्या सरकार पिछले साल देखिए, पिछले साल गवर्नमेंट ने फोरगोन टैक्सेस माने इंडस्ट्री को जो छूट दिए 7.5 लाख करोड़ उन्होंने छूट दे दी, तो ये छूट को कम करना चाहिए। आपके जवाब में एक सवाल भी निकलता है, मैं सीएम वासुदेव साहब से वो सवाल ले लूं, आप कंप्लीट कीजिए। तो इसके लिए हम सरकार को टैक्स बढ़ाना उसका काम है, उसका फर्ज होता है, उसके टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? कभी कभी कम करने से भी बढ़ सकती है, ज्यादा लोग टैक्स जमा करें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं दुनिया में कि पनिशमेंट को एक टाइम टाइट कर दें और टैक्स रेट कम करें तो कंप्लायंस ज्यादा होता है। हमारे पास जो है किसी की पनिशमेंट, कोई जेल नहीं जाता है। चलिए मैं पनिशमेंट से जुड़ा सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिजिटल इकोनॉमी पे सवाल लूंगा, क्योंकि सीएम वासुदेव साहब कहा गया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी पर, कैशलेस ट्रांजेक्शन पर बहुत जोर दिया, और सरकार का एक तर्क यह भी है कि इससे टैक्स नेट बढ़ेगा।
तो जिस बात की तरफ गुरुस्वामी साहब इशारा कर रहे थे कि 30 लाख लोग टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सरकार जो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, इससे टैक्स नेट बढ़ेगा और अगर छूट बढ़ाती है तो और लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने से केवल टैक्स नेट बढ़ जाएगा, कुछ हद तक असर होगा उसका, मगर टैक्स नेट बढ़ाने के और ज़्यादा तरीके और भी हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद इतने लोगों ने पैसा जमा किया है, उसकी क्या ट्रेल है, उससे कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको जो हमारे टैक्स विभाग के लोग हैं वो कैसे उसके ऊपर नज़र रखेंगे ताकि टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़े। तो कई तरीके हैं टैक्स का दायरा बढ़ाने में, तो डिजिटल इकोनॉमी तो अपनी जगह एक है। दूसरा सबसे बड़ा एक और रास्ता निकलेगा अगर जीएसटी लागू हो गया, जो होना ही चाहिए मैं समझता हूँ अगले 3-4 महीने में। तो जीएसटी लागू होने से भी काफ़ी जो टैक्स की चोरी होती है उस पर काफ़ी अंकुश लगेगा। तीसरी बात यह है कि देखिए, लोगों को मैं ये मानता हूँ सैलरीड क्लास है, उसको तो मजबूरी है, उसका तो सोर्स पे ही कट जाता है, या स्मॉल बिजनेस ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो भी अपना टैक्स दे देता है, मगर उसको ये ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं तो इतना कम कमा रहा हूँ, मैं तो इतना टैक्स दे रहा हूँ, मेरे साथ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ ये है, ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो ये जो रिलेटिव चीज़ है ना कि मैं तो दे रहा हूँ, लोग टैक्स देने में ऐसा नहीं है, मगर उनको ज़्यादा बुरा तब लगता है कि मैं तो दे रहा हूँ, मेरी आमदनी भी कम है, मगर ये बैठे हैं इनके पास तो इतनी ज़्यादा आमदनी है, इनके पास आलीशान कोठी है, दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, ये कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो रिलेटिव डिफरेंस है इसके ऊपर सरकार को जरूर कुछ, मैं समझता हूँ। ठीक है, चलिए टैक्स पे तो काफ़ी बात हो गई, जरा पॉलिटिक्स ही बात करते हैं। टंडन साहब, मैं आपके पास आता हूँ, फिर आप लोग पास आता हूँ। टंडन साहब, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो क्या हम इस चुनाव का इस चुनाव की छाप देखेंगे जो 5 राज्यों में हो रहा है, और क्योंकि 2019 भी बहुत दूर नहीं है, क्या उसकी भी छाप दिखेगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ बंदिशें लगाई गई हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ से संबंधित कोई घोषणा आप नहीं कर सकते, इसलिए ये मानना कि चुनाव ठीक है पंजाब के लिए स्पेसिफिकली या यूपी के लिए स्पेसिफिकली कोई घोषणा ना हो, लेकिन पूरे देश के लिए जो घोषणा होगी उसमें यूपी और पंजाब भी आएगा। लेकिन क्या है कि फिर भी दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता शायद झिझक रहे थे कुछ ये कहने में इनकम टैक्स लिमिट के बारे में, लेकिन अगर आप नोटबंदी के बाद से वित्त मंत्री के बयान पढ़े तो उन्होंने बहुत क्लियर हिंट दिया है कि ये जो इनकम टैक्स का स्लैब है ये इसको रैशनलाइज करना जरूरी है, और इसलिए मुझे लगता है और आपको लगता है अगर ये राहत होगी तो सर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? नहीं, देखिए प्रश्न ये है कि वो राहत कितनी है और किस किस के लिए है, राहत तो होने वाली है। दूसरी बात जो बहुत लोगों ने कही और वासुदेव जी ने भी कही कि टैक्स जो लोग चोरी करते रहे हैं जिनमें कुछ प्रोफेशन के नाम भी ले गए और भी बहुत हो सकते हैं, उन्हीं के लिए ही तो डिमोनेटाइजेशन की गई थी कि उनके घरों में छुपा हुआ काला धन बाहर आए। एक बात और आखिर में मैं कहूँगा कि ये पहला बजट होगा शायद जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। उसका कारण क्या है कि इतनी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने की डिमोनेटाइजेशन की, उसका जो दुनिया भर में एक चर्चा हुआ और उसके चलते कई देशों ने कोशिश भी की डिमोनेटाइजेशन करने की, बगावत के आसार हो गए, कर नहीं पाए। तो कैसे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार डिमोनेटाइजेशन की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इसलिए पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट की नजर इस बार के बजट पे लगी हुई है। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पर अशोक टंडन साहब ने कि पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है इस बजट पर। और क्योंकि आपको मालूम है कि जी बिजनेस हमेशा की तरह इस बार भी आपको इस बजट की सारी बातें सटीक तरीके से पूरे अच्छे विश्लेषण के साथ तमाम बड़े चेहरों के साथ बताएगा। लगातार हम बता भी रहे हैं आपको जेनेक्स बजट #जेनेक्स बजट पर आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और हम बैठे हैं दिल्ली के दिल सेंट्रल पार्क नॉर्थ प्लेस में, जहां पर हम लोगों से और जाने माने चेहरों से, एक्सपर्ट से, पॉलिटिशियन से आपकी बात कर रहे हैं इस बजट अड्डा में।